Good morning students, welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapeeth. Today we are going to learn Sanskrit subject, chapter 2, Yad Bhavishyo Vinashyati, Yad Bhavishya Gets Destroyed. Last lecture mein, ye jo dusra chapter hai, second chapter, ye panchtantra mein se liya gaya hai. Humne dekha tha, this extra is based on the story that is in the first tantra, part of panchtantra, Mitrabhedah. Mitrabhed naam ke tantra mein se liya gaya hai. Pandit Vishnu Sharma naam ke ye panchtantra ke rachayita hai. Pandit Vishnu Sharma ne yah jo panchtantra naam ka granth hai, vah likha hai. Author uske Pandit Vishnu Sharma hai. Hamari jo paper hai, आगे चलकर हम देखेंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन यह भी आता है कि वो भी चैप्टर है, चैप्टर जिस लिटरेचर में से लिए गए हैं, जिस तरह से चैप्टर ये सेकंड चैप्टर है पंचतंत्र में से लिया गया है, तो ये पंचतंत्र और उसके ऑथर ये नाम हमको याद रखने होते हैं. तो आपके पास मटेरियल हो तो मटेरियल में या बुक में ये आप लिख ले, फिर जब आपके पास मटेरियल आएगा तो चैप्टर के ऊपर ये लिख लेना. इंट्रोडक्शन तो होगा ही, लेकिन फिर भी पंडित विष्णु शर्मा और सामने पंचतंत्र की, पंचतंत्र की रचना किसने की है, तो पंडित विष्णु शर्मा ने की है. तो ऐसा भी एक दो मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर स्टाइल में है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम का ग्रंथ जो है वह लिखा. मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इसलिए आप उसको अच्छी तरह से लिख सके. पंचतंत्र ये ग्रंथ का नाम है, ये आप नोट कर ले, और पंडित विष्णु शर्मा ये ऑथर है. और इसके साथ हितोपदेश, ये हितोपदेश जो है वह भी एक ग्रंथ है जिसके रचयिता है, हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित. नारायण पंडित नाम के ऑथर है, वह हितोपदेश के रचयिता है. तो ये दोनों इस चैप्टर में से जो ऑथर है, वो दो ऑथर और दो लिटरेचर इस चैप्टर में से हमको याद रखने हैं, ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले. पंचतंत्र जिसके रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा, फिर आपके पास मटेरियल पहुंचेगा तब आप मटेरियल में भी ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है. तो ये पंचतंत्र में मित्र भेद में से लिया गया है. हमने देखा था कि तीन मछलियां अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, ये तीन मछलियां है. एक सरोवर में ये तीनों मछलियां रहती है, और उस सरोवर में एक फिशरमैन मछुआरा आता है, और वह ऐसी बात करता है कि बहुत सारी मछलियों वाला यह सरोवर है, तो कल सुबह आकर सभी मछलियों को हम मार देंगे, जाल बिछाएंगे और जाल में मछलियां आएगी और मार देंगे. ऐसा सुनकर तीनों मछलियां अपनी अपनी सोच रखती है, अपने अपने विचार प्रकट करती है. उसमें से फर्स्ट अनागत विधाता ने जो कहा था वहां तक हमने देखा था. एक बार जितना ट्रांसलेशन हम पढ़े थे उसका रिविजन कर ले. वंस अपॉन अ टाइम थ्री मैल फिश नेम अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य यूज टू लिव इन अ लेक. देन वंस सीइंग दैट लेक, इट वॉज सेड बाय द फिशरमैन, ए दिस लेक हैज प्लेंटी ऑफ फिश इन इट. इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बिफोर बाय अस, सो टूडे द प्रोविजन फॉर अवर फूड इज मेड. कमिंग हियर टूमोरो द फिश
टोर्टोइसिस एक्सेट्रा शुड बी किल्ड, दिस इज डिसाइडेड. देन हैविंग हियर्ड अटेंटिवली देयर स्पीच रिसेम्बलिंग अ थंडरबोल्ट, द फिश सेड टू वन अनदर, दिस कन्वर्जेशन ऑफ फिशरमैन इज हियर्ड. नाउ वॉट शुड बी डन बाय अस, द फिश नेम अनागत विधाता, देयर सेड. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. तो अनागत विधाता जो है वह कहती है मछली कि मैं दूसरे सरोवर में जा रही हूँ. वह अपना विचार जो है वह प्रकट कर देती है. अब आगे अपरह प्रत्युत्पन्न मति ही प्राह, प्रत्युत्पन्न मति ही द अदर फिश सेड. अपरह प्रत्युत्पन्न मति ही प्राह, प्रत्युत्पन्न मति द अदर फिश सेड. भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् प्रत्युत्पन्नमति, द अदर फिश सेड. भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् कुत्र मया गंतव्यम्, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर. भविष्यदर्थे फ्यूचर, प्रमाणाभावात् सिंस देयर इज नो प्रूफ. प्रमाणाभावात् प्रमाण मीन्स प्रूफ, there is no proof. pramana bhavat kutra maya gantavyam, where should I go, what will happen. yeh bhav hai ki main kya karu, main kahan jaau, main kya karu, what will happen. lekin kehte hai ki what should I, where should I go, but bhav hai what will happen. so aparah pratyutpan, अपरह यानी कि दूसरी जो मछली है, अदर जो मछली है, प्रत्युत्पन्न मति ही द अदर फिश सेड प्राह, प्रत्युत्पन्न मति ही द अदर फिश सेड. भविष्यद अर्थे प्रमाण अभावात, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन. कुत्र मया गंतव्यम, वेर शुड आई गो. प्रत्युत्पन्न मति द अदर फिश सेड, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, वेर शुड आई गो. तद उत्पन्ने यदा कार यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम. तब वह कहती है कि तद उत्पन्ने यथा कार्यम, तत् उत्पन्ने यथा कार्यम तत् अनुष्ठेयम्. तत् उत्पन्ने यथा कार्यम तत् अनुष्ठेयम्. सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस, तत् उत्पन्ने यथा कार्यम. सो When the occasion arises, यथा कार्यम उत्पन्ने, arises means उत्पन्ने, यथा कार्यम occasion. When the occasion arises, तत अनुष्ठेयम, I should do whatever should be done. अनुष्ठेयम means I should do whatever should be done. तद उत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम. सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस, आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन. व्हेन द ओकेशन अराइजेस, आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन. अपरह प्रत्युत्पन्न मति ही प्राह, प्रत्युत्पन्न मति द अदर फिश सेड. सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, Where should I go? So, when the occasion arises, I should do whatever should be done.
रिपीट, प्रत्युत्पन्न मति द अदर फिश सेड, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, व्हाट वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन। वह मछली कहती है थाच उक्तम, इट इज सेड कि इसीलिए कहा गया है, इट इज सेड उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधत्ते सबुद्धिमान, उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधत्ते सबुद्धिमान, उत्पन्नम आपदम यस्तु ही वो रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट, सबुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट, एंड रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स, उत्पन्नम आपदम यस्तु कि जब वह आपत्ति आती है, व्हेन इट रिसॉल्व द कैलमिटी कब, व्हेन इट कम्स उत्पन्नम, ही हु रिसॉल्व्स समाधत्ते रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट, वही बुद्धिमान है। सो प्रत्युत्पन्नमति द अधर फिश सेड, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन, इट इज सेड ही वो रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट कि जब कोई भी आपत्ति आती है तभी उसके लिए सोचना चाहिए और तभी जो भी बन सकता है उसके सामना करने के लिए ऐसे प्रयत्न हमको परिश्रम करना चाहिए। ऐसी सोच प्रत्युत्पन्नमति की है, इसलिए प्रत्युत्पन्नमति ने कहा प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन, इट इज सेड ही हु रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट। प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन, इट इज सेड ही हु रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट। प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन, इट इज सेड ही हु रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, अब ये प्रत्युत्पन्न मति ने कहा, फिर तीसरी जो मछली है यद भविष्य, उसकी क्या सोच है, वह क्या कहती है, ततो यद भविष्येण उक्तम धिवराणाम वचन मात्रेण पितृपैता मही कस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते, ततः धैन यद भविष्येण उक्तम, इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, धैन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, ततो यद भविष्येण उक्तम, धैन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, धीवराणाम वचन मात्रेण, इट इज नॉट राइट टू लीव लेक, धिवराणां वचन मात्रेण जलाशयस्य त्यागः, इट इज नॉट राइट टू, जलाशयस्य त्यागः न युज्यते, इट इज नॉट राइट टू लीव,
त्यागः मीन्स लीव जलाशयस्य लेक दैट बिलोंग्स टू अवर फोर फादर्स पितृपैतामहिकस्य मीन्स फोर फादर्स कि हमारे जो वडिल है उसकी उसकी जो यहाँ ये जलाशय है वो उसका है, उसकी परंपरा से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो जैसे हमारी पुरखों की कोई जमीन जायदाद होती है वह हम छोड़ना नहीं चाहते, इसी तरह से ये कहती है कि एक फिशरमैन जो है, एक धीवर है, पारधी है, मछुआरा है, उसके कहने से हम ये छोड़ नहीं सकते। यही बात है कि इट इज नॉट राइट टू लीव द लैग दैट बिलोंग्स टू अवर फोर फादर्स, इट इज नॉट राइट टू लीव द लैग दैट बिलोंग्स टू अवर फोर फादर्स, देन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, इट इज नॉट राइट टू लीव द लैग दैट belongs to our forefathers, then it was said by yad bhavishya, it is not right to leave the lack that belongs to our forefathers, then it was said by yad bhavishya, it is not right to leave the lack that belongs to our forefathers. यदि आयुः क्षयोस्ति तदा अन्यत्र गतानाम् अपि मृत्युः भविष्यति एव। यदि आयुः क्षयोस्ति लाइफ आयुः, इफ द लाइफ इज ओवर, यदि आयुः क्षयोस्ति, इफ द लाइफ इज ओवर, धैन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर, तदा अन्यत्र गतानाम् अपि even by going to elsewhere, going elsewhere, anyatra gatanam api mrityuhu bhavishyati, death will take place. ki kaha hai na ki koi raja tha aur raj mahal mein rehta tha, to usko pata chal gaya ki aaj uski mrityu hone wali hai, kal uski mrityu hone wali hai, to usko aisa pata tha ki mrityu jo hai vah उसमें जो यम है, यम के दूध है, वह सब आते हैं। बोले कल सुबह तक आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, मेरी मृत्यु यहाँ पे हो, या जो राजमहल है उसमें मेरी मृत्यु हो, तो मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, तो वहाँ पे दूर सुबह तक तो मैं दूर दूर तक चला जाऊँगा, तो वहाँ पे तो उस स्थान पे तो मेरी मृत्यु होगी नहीं, तो इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी अभी, और मैं अमर हो जाऊंगा, या मैं ज्यादा जी सकता हूँ, मेरी जो मृत्यु की वेला आ गई है, समय आ गया है, तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो वह अपना अश्व लेकर, उस पर सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर वह चला जाता है, सुबह तक कहीं दूर दूर पर्वतों की टोची में चला जाता है, चोटी पर, पर्वतों की चोटी पर चला जाता है। तो सुबह होते ही वहाँ पे यम के दूत है, वह सामने प्रकट होते हैं, और पहले तो उसका धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ तू यहाँ पे आ गया, क्योंकि तेरी मृत्यु यहीं पे लिखी थी, ये पर्वत की चोटी पर, हम कल से सोच रहे थे कि तू तुझको यहाँ पे कैसे लाया जाए, और तू कैसे आएगा यहाँ पे, तू यहाँ पे नहीं आएगा तो तेरी मृत्यु तो यहाँ पे लिखी है, तो राजमहल में तो हम आ नहीं सकते, तो तूने ही जो हमारा काम था वह अच्छी तरह से निपटा लिया, और तू सामने से ही यहाँ पे आ गया, और फिर राजा की मृत्यु होती है। तो वही कहते हैं कि डेथ विल टेक प्लेस, कि यदि मृत्यु होने वाली है तो वह कहाँ पे भी जाके होगी, कि मैं यहाँ से दूसरे सरोवर में चला जाऊँगा, चली जाऊँगी तो वहाँ भी होगी, ऐसी ऐसी मछली की सोच है, लेकिन वह उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करती है, प्रयत्न नहीं है। हम अच्छी तरह से यदि कार को ड्राइव करे तो अकस्मात होगा ही नहीं, अकस्मात नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ भी 100 के अधिक स्पीड से जाए और ऐसे ऐसे
किसी भी तरह रफ ड्राइविंग करेंगे तो कहीं भी अकस्मात हो सकता है और मृत्यु हो भी सकती है, लेकिन मृत्यु न हो उसके लिए हमने प्रयत्न तो करना चाहिए। कि ऐसे नहीं है कि हम निकले हैं कार लेकर तो मरने के लिए निकले, कितने सारे तो इस तरह से ड्राइव करते हैं और इसीलिए कितने सारे अकस्मात होते हैं और मृत्यु भी होती है। लेकिन उसने जो भी आपत्ति आने वाली है, आपदा आने वाली है, उसके लिए उसने सोचा ही नहीं कि बोले होगी तो हो, जो होने वाला है वो होगा ही। इसलिए वह कहते हैं कि यदि आयुः क्षयोस्ति तदा अन्यत्र गतानाम अपि मृत्युः भविष्यति एव। इफ द लाइफ इज ओवर देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस एंड इट इज सेड उक्तम च। इसलिए कहा गया है, वह भी एक श्लोक में जो कहा है वह कहते हैं फिर से एक बार, देन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, इट इज नॉट राइट टू लीव द लैक दैट बिलोंग्स टू अवर फोर फादर्स। If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place, and it is said. Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lack that belongs to our forefathers. If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place, and it is said. Now repeat. प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन। इट इज सेड ही हु रिसॉल्व्स द कैलमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट। Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lack that belongs to our forefathers. If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place, and it is said. Yad bhavi na tad bhavi, bhavi chen tadanyatha, iti chintya vishaghnoyam, अगदह किम न पीयते। यद अभावी तद न तद भावी, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन, यद अभावी जो नहीं होने वाला है, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन, यद अभावी न तद भावी विल नॉट हैपन, न तद भावी विट नॉल विल नॉट हैपन। यह बात भी सच है कि जीवन में जो होने वाला है वह किसी भी परिस्थिति में होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। कितने सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं कि एक कोई भी रास्ते पे चला जाता है और बहुत सारा बहुत बड़ा ट्रक होता है, वह ट्रक उस सड़क में ऐसे चलता है और उसके पास से थोड़े से ही दूर से वो जो भी ड्राइवर है उसने रफ ड्राइविंग किया होता है और अपना काबू जो है वह छोड़ दिया होता है, और ऐसे ऐसे ट्रक होकर उसके पास से निकल जाती है और फिर कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो जो रास्ते पर जा रहा था वो बच जाता है। उसके लिए कोई एक वीडियो होता है उसमें लिखा होता है कि राम राखे ने कौन चाखे, कि राम जिसको रखता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह के वीडियोस हमने देखे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही होने वाला था कि होने वाला है होगा ही और कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी परिस्थिति में कितनी बड़ी परिस्थिति होती है, इतना वो जो व्यक्ति होता है वहां से पसार होता है, इतना बड़ा ट्रक है उसका अकस्मात होता है, उसके पास से इस तरह से निकल जाता है, लेकिन वो उसका छूने वाला ही नहीं था, वो बच जाने वाला था। इसलिए वरना उसको छू के भी निकल जाता फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाता लेकिन बच जाता है। तो व्हाटएवर इज नॉट गोइंग टू हैपन,
यद भावी न तद भावी, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन. भावी चेत न तद अन्यथा भावी. इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन भावी, कि जो होने वाला है, चेत न तद अन्यथा इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. वो कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता. हम अपना भावी जो है, भविष्य है, बदल नहीं सकते. उसके लिए प्रयत्न जरूर कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा है कि भाग्य के आधार पर ही ऐसे रहता है कि उसको किसी ने बता दिया कि तुम्हारा भाग्य जो है वो बहुत अच्छा है और तुम करोड़पति बनने वाले हो, तो वो सोता ही रहेगा तो कोई करोड़पति नहीं बनेगा. उसके लिए प्रयत्न भी करने चाहिए. तो कहते हैं कि इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज, कि वह बदल नहीं सकते लेकिन उसके लिए प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, और अच्छी तरह से प्रयत्न करे तो वो भी बदला जा सकता है, ऐसा हो सकता है. तो वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. यद भावी न तद भावी, भावी चिन्ह तद अन्यथा. फिर से, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. तो इति चिंत्य विषघ्नः अयम अगधः किम न पीयते. इति चिंत्य, ऐसा सोच कर, वाई इज दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू द पॉइजन ऑफ एंशियंट इन नॉट ड्रंक. चिंत्य विषघ्नः, पॉइजन प्लस अयम अगधः, दिस मेडिसिन अयम अगधः, अगधः मीन्स औषधि. वाई इज दिस मेडिसिन अयम अगधः विच पुट्स एन एंड टू द विषघ्नः पॉइजन ऑफ एंशियंट नॉट ड्रंक. वाई इज दिस मेडिसिन, ऐसा सोच कर, ऐसी औषधि हम क्यों नहीं पीते, क्यों हम जहर घोल रहे हैं अपने अंदर, ऐसी बात वह मछली करती है. इति चिंत्य विषघ्नः अयम अगधः किम न पीयते. वाई इज दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू द पॉइजन ऑफ एंशियंट टू ड्रंक. वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. वाई इज दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू द पॉइजन ऑफ एंशियंट नॉट ड्रंक. वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज बी अदरवाइज. वाई इज दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड to the poison of ancient tea not drunk. Repeat, dheere se. Whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change be otherwise. Why is this medicine which puts an end the poison of ancient tea not drunk? Now, रिपीट स्टार्टिंग से. प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, सो
when the occasion arises, I should do whatever should be done. It is said, he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belongs to our forefathers. If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. And it is said, whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change be otherwise. Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety not drunk? तीनों मछलियों ने अपनी अपनी तरह से बात कह दी। अब कहते हैं कि अथ तयोः निश्चयम् ज्ञात्वा, अब यद भविष्य और प्रत्युत्पन्न मति दोनों ने भी अपनी बात रख दी, तो अनागत विधाता ने दोनों की बात सुन ली। अथ तयोः निश्चयम् ज्ञात्वा, then having learned the decision of the two, then having learned the decision of the two, decision of the two, प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्य, ये दोनों का decision जो है वह जानकर, तो so then having learned the decision of the two, अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन, अनागत विधाता went out of the lake with the members of his family. Parijanena, sah parijanena means members of his family. Nishkrantah, went out of the lake. Went out, nishkrantah, bahar nikal jana. So went out of the lake. Atha tayoho nishayam gnatva, tayoho means of the two. प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य धैन हैविंग लर्न्ड द डिसीजन ऑफ द टू अनागत विधाता वेंट आउट ऑफ द लेक विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली धैन हैविंग लर्न्ड द डिसीजन ऑफ द टू अनागत विधाता वेंट आउट ऑफ द लेक विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली Then having learned the decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family. Apare Dyuhu Imau Tatreva Jalashaye Stito Dvau Imau Tatreva Jalashaye Stito These two stayed there in the lake itself. इमो द्वौ इमो मीन्स प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य दिस टू प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य स्टेड धैर इन द लेक इट्सेल्फ द्वौ इमो तत्रैव जलाशये स्थितो दिस टू स्टेड धैर इन द लेक इट्सेल्फ धैन हैविंग लर्न्ड द डिसीजन ऑफ द टू अनागत विधाता वेंट आउट ऑफ द लेक विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली दिस टू स्टेड धैर इन द लेक इट्सेल्फ अपरे द्युहु नेक्स्ट डे अपरे द्युहु मीन्स नेक्स्ट डे धीवरैहि आगत्य जलाशये जालम क्षिप्तम धीवरे ही आगत्य फिशरमैन कैम आगत्य कैम फिशरमैन मीन्स धीवरे ही जलाशय थ्रू द नेट नेट जालम क्षिप्तम थ्रू सो अपरे द्युहु नेक्स्ट डे द फिशरमैन कैम एंड थ्रू द नेट नेक्स्ट डे The fisherman came and threw the net. Then having learned decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family. These two stayed there in the lake itself.
Next day, the fisherman came and threw the net. Jalen baddah pratyutpannamatihi mrtavat atmanam sandarshya sthitah. अब जैसे throw the net, fisherman ने जाल फेंकी तो प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य दोनों उस जाल में आ गए, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति ने क्या किया? प्रत्युत्पन्नमति ही झाले न बद्ध प्रत्युत्पन्नमति ट्रैप इन द नेट, झाले न बद्ध ट्रैप इन द नेट प्रत्युत्पन्नमति ही रिमेन शोइंग हिमसेल्फ लाइक प्रिटेंडिंग टू बी अ डेड वन, कोई मरा हुआ हो इस तरह से उसने दिखाया, इस तरह से वह उसमें रह गया कि मछुआरे को लगे कि तो मर ही गई है ये मछली जो है प्रत्युत्पन्नमति, ये मरी हुई है, इस तरह से उसने रखा, कोई भी हलन चलन नहीं की, उस तरह से अपने शरीर को उसने रखा। इसलिए बोलते हैं कि ट्रैप इन द नेट प्रत्युत्पन्नमति रिमेन शोइंग हिमसेल्फ लाइक प्रटेंडिंग टू बी अ डेड वन, कि जिस तरह से कोई मरी हुई मछली होती है उस तरह से अपने को दर्शाया। ट्रैप इन द नेट प्रत्युत्पन्नमति रिमेन शोइंग हिमसेल्फ लाइक प्रिटेंडिंग टू बी अ डेड वन। धैन हैविंग लर्नड डिसीजन ऑफ द टू अनागत विधाता वेंट आउट ऑफ द लेक विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। These two stayed there in the lake itself. Next day, the fisherman came and threw the net. Trap in the net, Pratyutpannamati remained showing himself like pretending to be a dead one. Then, having learned the decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family. These two stayed there in the lake itself. Next day, the fisherman came and threw the net. Trap in the net, Pratyutpannamati remained showing himself like pretending to be a dead one. Now repeat. Pratyutpannamati, the other fish said, since there is no proof of future, what will happen, where should I go? So, when the occasion arises, I should do whatever should be done. It is said, he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belongs to our forefathers. If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place, and it is said, whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change be otherwise. Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety not drunk? Then, having learned the decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family. These two stayed there in the lake itself. Next day, the fisherman came and threw the net. Trap in the net, Pratyutpannamati remained showing himself like pretending to be a dead one. Tato jhalat apasaritah. फिर उसने क्या किया? Pratyutpannamati ऐसे मरा हुआ है, ऐसे उसमें रह गया। फिर जाल जो है, वह वहाँ पे वो जाल को खोल दी और ओपन करके वहां पे रख दिया किनारे पे। तो ततो झालात अपसारितः, धैन बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट, झालात अपसारितः थ्रोन अवे
फ्रॉम द नेट देन बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट देन बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट यथाशक्ति उत्प्लुत्य ही जम्प्ड उत्प्लुत्य मीन्स जम्प्ड उत्प्लुत्य जम्प्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ यथाशक्ति मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ यथाशक्ति मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर डीप वॉटर गभीरम नीरम गभीरम मीन्स डीप नीरम मीन्स गभीरम नीरम प्रविष्ट प्रविष्ट मीन्स एंटर्ड एंटर डीप वॉटर प्रविष्ट मीन्स एंटर गभीरम मीन्स डीप नीरम मीन्स वॉटर ध्यान बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट ही जम्प्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड enter deep water then being thrown away from the net he jumped according to his strength and entered deep water tato jalat apsaritah then being thrown away from the net yathashakti according to his strength utplutya means jumped gabhiram means deep neeram means water and pravishta means entered so then being thrown away from the net he jumped according to his strength and entered deep water pratyutpannamati wahan se kud jata hai aur seedhe andar dur dur pani mein chala jata hai deep water mein vah chala jata hai Then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. Yad bhavishyah dhivarehi praptah vyapaditah cha. और यद भविष्य ने क्या करना है आगे के लिए वह कुछ सोचा ही नहीं है कि जब आएगा तब देखेंगे तब देखना ही है कुछ सोचा नहीं क्या करना है उसको कुछ पता ही नहीं चला अब क्या करना है और वह मछुआरे ने क्या किया यद भविष्य है यद भविष्य वॉज कॉट धीवरे ही प्राप्त वॉज कॉट एंड व्यापादित च किल बाय द फिशरमैन यद भविष्य वॉज कॉट एंड किल बाय द फिशरमैन धैन बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट ही जम्प्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर डीप वॉटर यद भविष्य वॉज कॉट एंड बाय द फिशरमैन ध्यान बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट ही जम्प्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर डीप वॉटर यद भविष्य वॉज कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन देयरफॉर इट इज सेड कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है Therefore, it is said. इसीलिए कहा गया है पूरे पंचतंत्र में इसी तरह से है कि कोई भी स्टोरी है वह स्टोरी खत्म होती है तो स्टोरी के खत्म होने के बाद एक श्लोक होता है जिसमें एक सार रूप या उसका जो भी उपदेश है वह उपदेश उसमें दिया जाता है तो कहते हैं Therefore, it is said. अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावेतो सुखम एधेते यद भविष्यो विनश्यति अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावेतो सुखम एधेते यद भविष्यो विनश्यति अनागत विधाता मीन्स वन हु प्रोवाइड्स फॉर फ्यूचर कि भविष्य जब आएगा तब देखेंगे लेकिन जब आता है तो उतना समय ही नहीं देती कोई मुश्किल या आपत्ति हमारे पास आती है तो उतना समय हमको नहीं मिलता पहले से सोचा हुआ होना चाहिए कि हमको क्या करना है किसी भी गड्ढे में कूदने से पहले सोचना चाहिए कि किस तरह से इसमें कूदना है उसमें कूदे तो क्या हो सकता है पैर भी हाथ कुछ भी टूट सकता है तो
शरणागत विधाता वन वो प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर प्रत्युत्पन्नमति तथा एंड प्रत्युत्पन्नमति वन वो इज रेडी विटेड कि जो आएगी उसके लिए वह तैयार था, आपत्ति आएगी उसके लिए तैयार था, वन वो इज रेडी विटेड दिस टू प्रोस्पर हैप्पीली कि अनागत विधाता जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए तैयार था, उसने सोच रखा था कि अभी क्या करना है इसलिए वह दूसरे सरोवर में चला गया, और प्रत्युत्पन्नमति ने सोच रखा था मेरे को क्या करना है इसलिए वह ऐसे कोई मरा हुआ इस तरह से दिखाया और फिर तुरंत ही अंदर चला गया। सो अनागत विधाता वन वो प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर प्रत्युत्पन्नवती वो इज रेडी विटेड तो द्वो वेतो एतो द्वो दिस एतो दिस टू सुखमे देते प्रोस्पर हैप्पीली अनागत विधाता वन वो प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर एंड प्रत्युत्पन्नमति वन वो इज रेडी विटेड दिस टू प्रोस्पर हैप्पीली यद भविष्यो विनश्यति यद भविष्य जो कि वन वो बिलीव्स इन कम व्हाट में हैपन कि जब आएगा तब देखेंगे कि क्या करना है ऐसा यद भविष्य सोच रहा था तो यद भविष्य वन वो बिलीव्स इन कम व्हाट में हैपन गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अनागत विधाता वन वो प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर एंड प्रत्युत्पन्नमति वो वन वो इज रेडी विटेड दिस टू प्रोस्पर हैप्पीली यद भविष्य वन वो बिलीव्स इन कम व्हाट में हैपन गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक बार आज जितना भी पढ़े उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर भी हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। जो आज हम जितना पढ़े वो ट्रांसलेशन एक बार बोल ले, बाद में मैं आपको होमवर्क क्या करना है वह कहता हूँ। प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर व्हाट विल हैपन वेयर शुड आई गो सो व्हेन द ओकेशन अराइजेस आई शुड डू व्हाट एवर शुड बी डन इट इज सेड ही वो रिसॉल्व्स द कैलेमिटी व्हेन इट कम्स इज रियली इंटेलिजेंट Then it was said by Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belongs to our forefathers. If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. And it is said, whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change. Be otherwise. Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety not drunk? Then, having learned the decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family. These two stayed there in the lake itself. Next day, the fisherman came and threw the net. Trapped in the net, Pratyutpannamati went showing himself like pretending to be a dead one. Then, being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. Yad Bhavishya was caught and killed by the fisherman. Therefore, it is said, Anagat Vidhata. वन वो प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर एंड प्रत्युत्पन्नमति वन वो इज रेडी विटेड दिस टू प्रोस्पर हैप्पीली यद भविष्य वन वो बिलीव्स इन कम व्हाट में हैपन गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सो नाउ कंप्लीट द चैप्टर नंबर सेकेंड यद भविष्यो विनश्यति। आपको होमवर्क में ये आज का जो ट्रांसलेशन है प्रत्युत्पन्नमति जो कहता है वहीं से हमने लिया, और यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन है वह दो बार आपको ट्रांसलेशन लिखना है। मैंने पहले भी बताया कि आप एक बार लिखे तो अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करें, यानी दूसरी बार है
जितना हो सके वह आप याद किया हुआ ही ऐसे लिखे बिना बुक में देखे। तो टू टाइप आपको होमवर्क में ये ट्रांसलेशन लिखना है। थैंक यू वेरी मच।